अश्विनी खड्ड के पानी में बहती गंदगी की खबर को सिटी चैनल द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद एनजीटी ने कड़ा संज्ञान लिया है। एनजीटी ने सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है, जिसके बाद शिमला और सोलन जिला प्रशासन ने मौके का मुआयना किया। सोलन के जागरूक युवा अभय ने अश्वनी खड्ड में सैकड़ों टन प्लास्टिक और गंदगी तैरते देखी तो अभय ने जागरूक होने का परिचय देते हुए नदी में तैरती गंदगी को तुरंत अपने मोबाइल में कैद किया और फेसबुक पर अपलोड किया, ताकि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार इस पर कोई कार्रवाई अमल में लाए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जिला प्रशासन ने युवक के वीडियो को ही झूठा ठहराकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इस खबर को मीडिया ने प्रमुखता से उठाया और हकीकत सबके सामने रखी। इस खबर पर एनजीटी ने कड़ा संज्ञान लिया है और प्रदेश सरकार से इस बारे में जवाब तलब किया है। उसके बाद शिमला और सोलन जिला प्रशासन की नींद टूटी और दो दिनों बाद टीम ने मौके का मुआयना किया। अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस नदी में इतना प्लास्टिक कहां से आया, लेकिन अभी तक उनके हाथ पूरी तरह से खाली है। इस खबर पर स्थानीय लोगों ने दुख जाहिर किया और कहा कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन नींद से तभी जागता है जब एनजीटी कड़ा संज्ञान लेती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सफाई व्यवस्था देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन प्रदेश में स्वच्छता को कोई अहमियत नहीं दे रही है। जी, ये बड़ा बड़ी दुखद है, बड़ी ही, मैं तो इससे बहुत ही आहत हूँ कि एनजीटी को आना पड़ रहा है, एनजीटी को इंटरवीन करना पड़ रहा है, उसके बाद ही हम जागते हैं। क्यों ऐसा हो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर खेद है, दुख की बात है कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन स्वच्छता के प्रति इतना ना जागरूक हुआ है, ना इसको प्रायोरिटाइज कर रहा है। मैं तो ये आग्रह करता हूँ कि इसको प्राथमिकता में डाला जाए। जिला प्रशासन हो, ये जितनी भी स्वच्छता के लिए जिम्मेदार संस्थाएं हैं, हमारी कमेटी हो, हमने स्वच्छता के कार्यों को प्राथमिकता नहीं दी है। वी आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग द वर्क ऑफ क्लीनलीनेस एट ऑल। जबकि स्वच्छता नहीं होगी तो सीधा सीधा पब्लिक हेल्थ से खिलवाड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।